अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए? कतर 2022 से पहले 10 गोल करने वाले खिलाड़ी की तफसील हम यहाँ बयान करेंगे। इंटरनेशनल आइकॉन हु हैज़ स्कोर द मोस्ट गोल इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री टॉप 10 रिवील हार्ट ऑफ कतर 2022। जिन खिलाड़ियों ने 7 गोल किए उनके नाम ये हैं: ओलरिच नेजेडली, लाजोस टिची, क्रिका जानीरैप, एंद्रेस जारमाच, लुइस सवारेज, हैंस शेफर्ड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की तारीख में 7 गोल किए, जिसमें चेकोस्लोवाकिया के ओलरिच नेजेडली हैं, हंगरी के लाजोस टिची हैं, ब्राज़ील के क्रिका हैं, नदरलैंड के जानीरैप हैं, पोलैंड के आंद्रेज जारमाच हैं, मगरबी जर्मनी के हांस शेफर हैं। ने अपने करियर के अख्ताम एक ही तादाद के साथ किया, यानी सब ने 7 गोल किए। इरागोरियन लुइस सवारेज और पुर्तगाली सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ने इस मौसम गर्मा में कतर में कुछ और शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके पास फिलहाल इन दोनों के साथ उनके खाते में भी 7 गोल ही है। वो खिलाड़ी जिन्होंने 8 गोल किए इसमें शामिल हैं: गिलर्मो स्टेबल, ल्यूनिडास एडमेर, ऑस्कर मिगेज, रिवाल्डो, रोडी व्हीलर, डियागोनो मैराडोना। ये सब 8 गोल के साथ सरफहरिस्त हैं। वर्ल्ड कप के हम वक्त के अजीम खिलाड़ियों में से एक डियागोनो मैराडोना ने वर्ल्ड कप में 8 गोल करके अपने करियर का खात्मा किया, जिसमें से 5 गोल अर्जेंटाइन के 1986 की फतह के रास्ते में थे, यानी जब वो 1986 में अर्जेंटाइन ने वर्ल्ड कप जीता तो इसमें 5 गोल जो है मैराडोना के थे। इस फहरिस्त में अर्जेंटाइन के साथी गिलर्मो स्टेबल, इरागोए के ऑस्कर मिगेज, जर्मनी के रोडी व्हीलर और ब्राज़ील के 3 खिलाड़ी ल्यूनिडास एडमेर रिवाल्डो शामिल हैं। 9 गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं यूसी ब्यू, क्रिश्चियन वेरी, वावा, ड्यूड वेला, पालो रूसी, जीर जीन हु, रॉबर्ट टू बी ग्यू, कारल हेंज, रूमिंग, वीवी सीलर। प्यारे पर सारे परिस्ते हैं। 9 गोल करने वालों में 5 बार के ब्राज़ील के खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सर फहरिस्त हैं: वावा, जीर जीन हु, दोनों पुर्तगाल के लेजेंड यूसी बीओ के साथ मिलकर जनूबी अमेरिकन जॉइंट्स के लिए 9 बार जाल बिछाए, यानी 9 गोल किए। स्पेन के डिविट वेला और जर्मनी जोड़ी कार हैंस रोमिंग और वीवी सेलर के साथ इटली के क्रिश्चियन वेरी और पालो रूसी रॉबर्ट टू बिग्यू ने भी ये कारनामा अंजाम दिया। इन तमाम खिलाड़ियों ने 9 गोल किए। 10 गोल करने वालों में शामिल हैं हेलमेट रहन, गेरी लाइंकर, गैब्रियल बेटी सुटूटा, क्यू फिलो, क्यू ब्लेस, थॉमस मूलर, गैरी गोरेज लाटू। वर्ल्ड कप में 13 खिलाड़ी हैं जो दोहरे हिस्से में दाखिल हो सके हैं गोल के मामले में। इनमें सबसे पहले हम नाम लेंगे गैरी लाइंकर के, जो इन्होंने 1986 में 6 गोल और 1990 में 4 गोल किए। जर्मन हेलमेट राहन लाइंकर के बराबर हैं, जैसा कि अर्जेंटीना के गैब्रियल बाटी सोटूटा, पीरो के ट्यूफेलो क्यू बेला, पोलैंड के ग्रीजी गोरेज लाटो हैं। एक और जर्मन थॉमस मूलर, उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस साल के आखिर में कतर में सरफे इस फहरिस्त में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि 10 गोल से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अभी खेल रहे हैं। 11 गोल करने वालों में सैंडोर कोसेस, जॉर्जिन क्लिंसमैन शामिल हैं।
हेनरी के सैंडोर कोसेस का नाम शायद बहुत से लोगों को मालूम ना हो, लेकिन इन्होंने 1954 के वर्ल्ड कप में 5 मैचों में शानदार 11 गोल किए। वो जर्मन लेजेंड जॉर्जिन क्लिंसमैन के साथ शामिल हुए और जॉर्जिन क्लिंसमैन ने भी 11 गोल किए। इस तरह 11 गोल में इन दोनों का नाम आता है। 12 गोल में करने वालों में पहले का नाम आ जाता है, जो फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी हैं और ब्राज़ील के लेजेंड हैं। ब्राज़ील के लेजेंड पहले फुटबॉल की तारीख के वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता। इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में बिलतरतीब 6-1 और 4 गोल करके अपने मुल्क की ट्रॉफी उठाने में मदद की। इन्होंने 1966 के वर्ल्ड कप में भी एक गोल किया, लेकिन इत्तेफाक से ग्रुप मैच में ही ब्राज़ील बाहर हो गया था। 13 गोल करने वालों में नाम है जेस फोंटेन का। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड फ्रांसीसी खिलाड़ी जेस फोंटेन के पास है, जिसने 1958 के टूर्नामेंट 6 गेम्स में 13 बार हैरानकुन गोल किए। इसके नाकाबिले इन कारनामे के बावजूद फ्रांस सेमीफाइनल में चैंपियन ब्राज़ील से 2-5 से हार गया था। फोंटेन कभी दूसरे वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए क्योंकि फ्रांस 1962 में क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। इसी साल इस फॉरवर्ड ने रिटायरमेंट ले ली। जेरेड मोलर का नाम 14 गोल करने वालों में शामिल है। जर्मन गैरेट मोलर ने 1970 के वर्ल्ड कप में सनसनीखेज 10 गोल किए, लेकिन फोंटेन की तरह इनकी टीम सेमीफाइनल में बाहर हो गई। ये लेकिन 4 साल बाद ही फोंटेन ये जर्मन गैरेट मोलर वापस आए और अपनी टीम को फातिह किया, चैंपियन बनाया और इस बार इन्होंने 4 गोल किए। 15 गोल करने वालों में नाम शामिल है रोनाल्डो का, जो कि ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। नस्ल के सबसे बड़े स्ट्राइकर के तौर पर जाने जाने वाले ब्राज़ील के रोनाल्डो के पास 15 गोल का रिकॉर्ड 2014 में टूटने से पहले के तकरीबन 1/2 तक था। वो 1994 के टूर्नामेंट में गए जो ब्राज़ील ने जीता, लेकिन किसी भी मैच में नुमाया नहीं हुए। रोनाल्डो फिर 1958 में वापस आया और फाइनल के रास्ते में 4 गोल शुरू किया, लेकिन फ्रांस के खिलाफ इनकी टीम को शिकस्त हुई। 4 साल बाद एक बार फिर ब्राज़ील ने ट्रॉफी उठाया, इस बार 8 गोल शोर करके अपने गोल की तादाद में रोनाल्डो ने इजाफा किया और फिर 2006 में मज़ीद 3 गोल स्कोर किए। सबसे ज़्यादा गोल यानी 16 गोल करने का रिकॉर्ड मिरोस्लाव क्लोज के पास है। जर्मन स्ट्राइकर क्लोज वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 16 की शानदार तादाद है। इसने 2002 के वर्ल्ड कप में सऊदी अरब के खिलाफ हैट्रिक करके अपना खाता खोला। क्लोज ने फिर 2006 में गोल्डन बूट अपने नाम करके 5 गोल किए। इसने 2010 में जनूबी अफ्रीका में मजीद 4 गोल किए। 2014 में अपने 2 गोल के बदौलत रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया, जहां जर्मनी ने ट्रॉफी अपने नाम की। रिकॉर्ड तोड़ गोल रोनाल्डो के हमवतनों के खिलाफ इस वक्त हुआ जब क्लोज ने ब्राज़ील को सेमीफाइनल में 7-1 से शिकस्त दिया।